नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न काइट पर। तो जैसा कि आप थंबनेल देख कर ही आए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। देखा और याद हो गया। अरे यार, ये ऐसा कौन सा वीडियो भाई, देखते ही याद हो जाता है। एक बार पूरा वीडियो देख के जाइए कि देखने से सिर्फ याद होता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। आप पान खाएं थूक दिए, पान खाएं थूक दिए, कानूनी जुर्माना लग जाएगा। याद रखिएगा, पान खाएं थूक दिए, पान खाएं थूक दिए, कानूनी जुर्माना लग जाएगा। तो यानी अगर पूछा जाए ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया। भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं भूल पाओगे। आगे देखते हैं, आखिर ये संशोधन की प्रक्रिया। चेहरा थोड़ा सांवला है, लगाएं क्रीम, हो गए गोरा, संशोधन हो गया, संशोधन हो गया। यानी संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। थोड़ा चेंजेस, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ संशोधन किया जाए कि हम भी राज करें, हम भी राज करें भाई, हम भी राज करें। साउथ अफ्रीका के लोग थोड़ा बोल रहे हैं, थोड़ा संभले हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ब्रिटिश को भगा के हम भी राज करें। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये कहाँ से लिया गया, राज्यसभा, राज्यसभा से के सदस्यों का चुनाव साउथ अफ्रीका से। कभी नहीं भूल पाइएगा। फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखिएगा, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये चीज़ें ली गई है। ये चीज़ें प्रस्तावना में, इन द जो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है, प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। फ्रांस का आपको क्रांति याद होगा, जिसमें ये बातें की गई थी, गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, रिपब्लिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, ये सब की बातें वहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा, वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस। भूल जाइएगा, नहीं भूलने के लिए याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति। ये चारों चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो अब रूस से क्या लिया गया भाई, रूस कौन होता है जो बार बार रूस जाता है, रूस कौन होता है बार बार रूस, कोई ना कोई होगा जो आपके सामने रूस जाता है। समझ गए ना, कौन बार बार आपको किसको मनाना पड़ता है। तो आपका एक ड्यूटीज बन गया है, आपका एक ड्यूटीज बन गया कि रूसे को मनाना है। अब आ जाए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, तो बता देना कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो वो लिया गया है संविधान से। आपका मौलिक कर्तव्य किसी को नहीं रुचना। फिर ये जो आपके प्रियम्बल में ऐड है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से न्याय, ठीक है, ये सारा का सारा चीज जो कहाँ से लिया गया, ये रूस संविधान। आपका ये अधिकार है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से आपको न्याय मिले, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया रूस के संविधान से। भूल जाओ, रूसना ही नहीं आपको, भूलना कहाँ है, ट्रिक है, दिमाग में आ गिया। अब ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया, बोले डायलॉग क्या दे रहा है भाई, ये वीडियो बनाने के बजाय डायलॉग दे रहा है, डायलॉग नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। देखो, अगर आप बोला जाए कंकरेंट लिस्ट, भाई ऑस्ट्रेलिया नीचे है, कंगारू है, उसको दोनों चीज़ चाहिए, केंद्र भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए। ले गया ना ट्रॉफी उठा के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए। तो समवर्ती सूची उसी को कहा जाता है, कंकरेंट लिस्ट उसी को कहा जाता है। तो कौन ले गया, ऑस्ट्रेलिया ले गया, ठीक है। दोनों सदनों का, अगर बोला है दोनों सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, दोनों, मैंने बात बात बोला दोनों 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 वर्ड आ गया यहाँ पर। तो वो चाहता है ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग चाहता है टू हाउस, राज्यसभा और लोकसभा का। तो ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आप कहीं भी जाके पूरे इंडिया में जाकर बिजनेस करिए, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्री होके यहाँ पूरा मारा, ट्रॉफी ले गया भाई, ये दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ, जा तो नहीं रहा भाई, कब चला गया, ये क्वेश्चन आपको जाने नहीं देना है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, तो दोनों ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग करवा रहा है। समवर्ती सूची, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ पावर, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ पावर, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इसी से लिया गया। फ्रीडम, आप कहीं भी जाके ट्रेड कर भाई, कहीं भी जाके जीत जाता है वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, जर्मनी, ओहो जर्मनी से क्या लिया गया भाई, जर्मनी से लिया गया जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, अगर इमरजेंसी है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना, थोड़ी देर के लिए रोक देना, बस ये वर्ड याद रखिएगा। तो ये जर्मनी से लिया गया, ठीक है, जर्मनी से लिया गया, ठीक है, जर्मनी से लिया गया, जापान से नहीं, जर्मनी से लिया गया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे जापान से क्या लिया गया, जापान से, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पान खा के थूकना नहीं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं,
कनाडा से क्या लिया? कनाडा नाम सुनते पंजाबी याद आता, पूरा बड़ा बड़ा गाड़ी याद आता है, दिमाग कहीं काम नहीं करता, अब दिमाग काम करेगा। तो अगर पूछा जाए मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। ठीक है, याद रखिए, कहाँ से लिया? कनाडा से। केंद्र द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करती है कनाडा में। दिमाग में आया? कनाडा में। कनाडा नाम सुनते बहुत सारा न्यूज आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज आपके लिए दिए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आयरिश से क्या लिया गया? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। क्या दिया है? प्रेसिडेंट का चुनाव एकदम अलग तरीके से होता है, कहाँ से लिया गया? आयरिश, आयस आयस, प्रेसिडेंट का चुनाव अलग तरीके से होता है, ऐसा देख लेना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? नॉर्मल चुनाव नहीं होता, मेयर, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद का चुनाव जैसा नहीं होता, इसका चुनाव अलग ही टाइप का होता है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयस आयरिश से लिया गया। ठीक है, राज्यसभा में आयस 12 लोगों को ऐसे ही भेज दिया, 12 लोगों को ऐसे ही भेज दिया, 12 लोगों को राष्ट्रपति अपने मन से भेज सकता है राज्यसभा, उसको कहीं से चुनाव ना लड़ने का जरूरत नहीं है, किसी विधायक के पास जाने का जरूरत नहीं, राष्ट्रपति से पहचान है, आपको भेज देगा। सचिन तेंदुलकर गया ना, उसको कोई चुनाव नहीं लड़ा, भाई देश का नाम किया था, राष्ट्रपति को लगा इसको भेजो, बहुत लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है, कमेंट में जाके बताइए कौन 12 लोग हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आइस, अलग ही चुनाव है, राज्यसभा 12 मेंबर को आइस, ये भी बात। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, स्टेट अपना पॉलिसी बनाई भाई, आइस इतना अच्छा पॉलिसी बनाया, बिहार में दारू बैन है, गुजरात में दारू बैन है, स्टेट अपने मन से कुछ भी करना कर ले भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए? आयरिश से। मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया हो। अब अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका भाई इतना बड़ा चीज, रसिया कोई रुसना नहीं चाहिए, आपका मौलिक कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य मतलब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका का नाम सुनते थोड़ा सा लगता है मजबूत कोई हमारे साथ खड़ा है, तो आपको वो दे दिया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दे दिया। ठीक है, राष्ट्रपति अगर कुछ कर दे तो तुरंत उसको हटा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो ये भी लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद अब हम राष्ट्रपति को हटा देने वाला बात तो ले लिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट लिया गया। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जज, ठीक है, न्याय हटाने का, वही जो राष्ट्रपति का, तो यहाँ पर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिकाओं को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, न्यायिक समीक्षा होना चाहिए, ये सारा का सारा कहाँ से लिया गया? आपके संविधान से लिया गया। ठीक है, अब जो ब्रिटिश जो हम पर राज करके गया, जो ब्रिटिश हम पर राज करके गया, उन्होंने हमें क्या क्या दिया? ठीक है, उन्होंने हमें दिया कानून का शासन, विशेषाधिकार, रिट, एकल नागरिकता, द्विशासन, संसद एकाधिकार, ये सारा का सारा चीज दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको याद हुआ, थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। बहुत लोग बोल रहे थे आप वीडियो में आके पढ़ाइए, मैं वीडियो में भी आ गया, धीरे धीरे और अच्छा क्वालिटी आपके लिए लेकर आऊंगा हर तरह से। तब तक हमारे साथ बने रहिए, कुछ कमी है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे यूट्यूब चैनल है, आप वहीं जाके आ जाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।